आप देख रहे हैं धौली शांति स्तूप। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुकंत सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकंत सरंगी। तो भुवनेश्वर एक्सप्लोर चल रहा है, अभी मैं पहुंच गया हूं धौलीगिरी धौली स्तूप देखने के लिए। चलिए आप भी मेरे साथ धौलीगिरी एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर का, इसी को धौली शांति स्तूप बोलते हैं, वा पीस पगोड़ा वा व्हाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। ये 1972 का बनाया हुआ है, जापान और उड़ीसा के जो बौद्ध धर्म के संघ हैं उन्हीं के दोनों के सहायता से ये बनाया गया है। इसको इंडो और जापान गवर्नमेंट का फ्रेंडशिप के तौर से भी देखा जाता है। कहा जाता है कि यही धौलीगिरी में सम्राट अशोक का कलिंग के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोगों का डेथ हो गया था और इसी वजह से वो उस टाइम में बौद्ध धर्म को कन्वर्ट हो गए थे और शांति के तलाश में निकले थे। तो उन्हीं के याद पे यहाँ पर धौली शांति स्तूप बनाया गया है। इसी शांति स्तूप में आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैसे भगवान बुद्ध जो वट वृक्ष के नीचे ज्ञान दे रहे हैं अपने शिष्यों को, उसी का चित्रित मूर्तियाँ हैं। भगवान बुद्ध के अलग अलग पोस्चर की मूर्तियाँ हैं। आज यहाँ पर बहुत भीड़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं दुनिया भर के लोग आए हुए हैं। मैं आ गया हूँ अभी धौलीगिरी के पीछे वाले मंदिर, धवलेश्वर मंदिर। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो आइए चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये आप देख रहे हैं धवलेश्वर टेम्पल, ये 14th सेंचुरी का मंदिर है। ये गंगा डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। कहा जाता है ये मंदिर को 1978 में रेनोवेट किया गया है। इसकी शिवलिंग भी बहुत देखने लायक है और यहाँ का प्रसादी भी बहुत फेमस है। अगर आप आते हैं यहाँ ज़रूर आइएगा और यहाँ का प्रसादी तो जरूर लीजिएगा। यहाँ से दो रास्ता जाता है धौली शांति स्तूप की तरफ, ये आप देख सकते हैं। ये धौली शांति स्तूप के जस्ट बैक साइड में है। तो धौलीगिरी एक्सप्लोर में अभी मैं आके पहुंच गया हूँ अशोक स्तंभ, अशोक पिलर। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अशोक पिलर है, ये रेप्लिका है। शांति में जो अशोक पिलर है उसी का ही एक रेप्लिका इधर बनाया गया है। तो धौलीगिरी एक्सप्लोर अभी भी चल रहा है। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ भैरंगेश्वर मंदिर, ये भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप भी आइए मेरे साथ देख लीजिए। अभी हम आ पहुँचे हैं भृंगेश्वर शिव मंदिर, ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। कहा जाता है सोमवंशी राजाओं ने यह मंदिर निर्मित किया था। ये धौली जो पर्वत है उसी के ही नीचे में ही खटुआपड़ा बोल के एक विलेज है, वहीं पर है।
धौलीगिरी एक्सप्लोर अभी भी चल रहा है, तो अभी हम लोग आखिर में पहुंच गए हैं धौलीगिरी का। तो ये है सम्राट अशोक का पत्थरों पे खोदित उनका उपदेश, जब वो चंडाशोक से धर्माशोक बने थे, मतलब जब वो हत्यारे अशोक से महाराजा राजा अशोक सम्राट अशोक बने थे, तो उस टाइम में वो पत्थरों पे जो बुद्ध बौद्ध धर्म के नीति वाक्य हैं वो सब वो मेंशन किए हुए हैं। तो आइए चलिए उसको भी देख लेते हैं। धौलीगिरी घूमना हो गया, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।